जब इस मामले में न्यूज इंडिया N9 के संवाददाता राय सिंह मालवी ने BRC अजब सिंह राजपूत से दूरभाष पर बात की तो उन्होंने बताया कि चामसी स्कूल की मरम्मत के आष्टा विकासखंड की 122 स्कूल की मरम्मत का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। आष्टा विकासखंड के ग्राम चामसी में शासकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन से प्लास्टर और पानी गिरने के कारण बच्चों को पढ़ने लिखने में परेशानी आ रही है, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती देख शिक्षक अंबाराम मालवी ने गांव के देवनारायण चौकीदार से इस बारे में चर्चा की तो देवनारायण मालवी ने भी मामला बच्चों की शिक्षा का देख स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना घर शिक्षकों के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल देवनारायण चौकीदार के मकान में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल के सभी शिक्षक और देवकरण मालवी चौकीदार का निर्णय काबिले तारीफ है। वहीं लगातार बारिश और जर्जर स्कूल में पानी भरा होने के बावजूद बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। सर ये स्कूल के लगाओ यहाँ है, ये स्कूल के लगाया आपने यहाँ? साला में पानी भरा होने के कारण है ना। अच्छा स्कूल यहाँ गांव में जमनान का यहाँ संचालित की जा रही है। तो ज़्यादा पानी भरा गया स्कूल में? छत से पानी बहुत ज़्यादा टपक रहा है, दोनों तीनों कमरे में भरा है, बैठने की जगह नहीं बच्चों को। अच्छा तो उसमें ज्यादा पानी भर गया। ये किसका मकान है? ये गांव में जो टुकड़ा है जनरल का मकान है। अच्छा कल तो इतनी समस्या थी कि बच्चे को बैठा नहीं पाए और आज तो उसमें जा भी नहीं पाए। मजबूरी अगर हम जाके खड़े रहेंगे, अगर छत गिर गए हमारे पास तो क्या हो। अच्छा जो देखो उसको छत भी टूट रहा, छत भी टपक रहा और टूट गया बीच में से, पता नहीं क्या हो। न्यूज़ इंडिया N9 से राय सिंह मालवी की रिपोर्ट।